नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों से। इफको कोऑपरेटिव के एमडी और सीईओ यूएस अवस्थी को भारत में सहकारी समितियों के विकास और दुनिया भर में इफको और भारतीय सहकारी मॉडल के लोकाचार को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा 2024 रोशडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ढाका पुलिस द्वारा इस्कॉन बांग्लादेश के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को हिरासत में ले जाने पर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा, वहां जो कुछ हो रहा है उसे देखना बहुत दर्दनाक है। अगर फिलिस्तीन में कुछ होता है तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र उनके दर्द को दोहराएगा, लेकिन जब यह बांग्लादेश में होता है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। राष्ट्रीय जनता दल विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आंखों पर काली पट्टी बांधकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायक ने कहा, मैं सुशासन बाबू हूं, 2015 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में कई घोटाले हुए। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वे कार्यवाही करें, क्योंकि यूपी से शराब राज्य में लाई जा रही है। ईवीएम पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, एक अभियान जरूर चलाया जाना चाहिए, जो नतीजे आ रहे हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, हम किसी को दोष नहीं देंगे, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि यह बैलेट पेपर पर आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी ले तो अधिकतम देश अभी भी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराते हैं। संभल में पथराव की घटना के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराए जाने पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, प्रशासन कैसे जिम्मेदार है, कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे किया जा रहा था, अचानक हथियारों के साथ इतने सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए, इसके दृश्य उपलब्ध है। संभल के स्थानीय नेताओं ने वहां लोगों को उकसाया, कश्मीर में भी ऐसा ही होता था। अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम अधिनियम 267 के तहत यह सवाल सदन में उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी की चुप्पी से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी सरकार कुछ छिपा रही है। अगर अमेरिका की कोई जांच एजेंसी किसी कंपनी पर इतना गंभीर आरोप लगाती है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह जांच में शामिल हो, लेकिन आज जो पूरी तरह से चुप्पी हम देख रहे हैं वह चुप्पी नहीं बल्कि आवाज है, और इस आवाज को देश की जनता सुन रही है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इस सदन में वरिष्ठों के सदन उच्च सदन को अच्छी तरह से स्थापित परंपराओं को प्रतिबिंबित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता है, कि कुर्सी के फैसले के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है, ना कि मतभेदों का कारण। कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया, सिर्फ भागीदारी पर ही नहीं बल्कि अन्य पहलवानों को कोचिंग देने पर भी लगाया प्रतिबंध। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय ट्रायल के दौरान डोपिंग टेस्ट देने से कर दिया था इनकार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।